पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स फरामी से मुतालिक रिपोर्ट्स आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत के बाद स्टेट बैंक और वजारत खजाना को हुक्म दिया था कि 17 अप्रैल की शाम तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराम किए जाएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 3 रुकनी बेंच के जारी करदा हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वजारत खजाना को फंड्स फरामी से मुतालिक अलग अलग रिपोर्ट्स आज पेश करने की हिदायत की गई थी। तीनों रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद केस की मजीद समाअत होगी। और आपको ये बता दें कि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई थी। गुज़िश्ता समाअत की अगर बात करें तो ये बड़ा अहम हुक्मनामा दिया गया था। हम बात कर लेते हैं, ज़ुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं उनसे। ज़ुल्करनैन, ये बताइएगा, एक तो समाअत के हवाले से बताइएगा कब तक समाअत इसकी मुतवक्को है, और दूसरा ये कि अब कानूनी पहलू मजीद क्या हो सकते हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ेगा मामला। मारूख, ऐसा है कि समाअत तो आज नहीं होनी, आज सिर्फ रिपोर्ट्स आएंगी। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा अब से तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद कि उनको फंड्स मिले हैं या नहीं। इसके अलावा स्टेट बैंक ने जो इकदाम किए हैं अदालती अहकाम की रोशनी में, वो अपने इकदाम से आगाह करेगा, और वजारत खजाना से भी अलग से रिपोर्ट मांगी गई है, वो भी अपने जवाब से इलेक्शन कमीशन और वजारत खजाना और स्टेट बैंक तीनों तहरीरी तौर पर अदालत को आज आगाह कर देंगे। चैम्बर्स में ये जवाब जमा होंगे, जिसके बाद जजेज इसका जायजा लेंगे और फिर इस हवाले से बाबा कोई अहकाम जो भी मुनासिब होंगे और वो जारी करेंगे। फिर अदालत ये फैसला करेगी कि इन चैम्बर ही मजीद समाअत करके कोई मुनासिब अहकाम देने हैं या इसको खुली अदालत में लगाना है। आज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सिक्योरिटी प्लान के हवाले से भी रिपोर्ट मांगी गई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात भी वाज़ह थी कि 17 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी प्लान जमा करवाना है, और पाक फौज समेत तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी फरहमी के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक प्लान देना है। तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस हवाले से भी इकदाम शामिल होंगे।